नरेंद्र भाई से अनुरोध करता हूं इस इलेक्शन चुनाव का सबसे बात करने के लिए। भारत माता की अंदर फिड़की बिगे चयी चपाली भारत माता की नरेंद्र मोदी गारी जय तेलंगाना जय तेलंगाना। प्रधानमंत्री अंबेडकर नरेंद्र मोदी गारु प्रसंगिस्तारु। भारत माता की मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना प्रदेश के अध्यक्ष श्री किशन रेड्डी जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, टीडीपी के सभी वरिष्ठ नेतागण और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे भारत के भाग्य विधाता भाइयों और बहनों, भाइयों बहनों, मैं 2009 में करीमनगर में चुनाव अभियान के लिए आया था। मैंने उस समय विद्यासागर राव के लिए आपसे वोट मांगे थे और करीमनगर के लोगों को याद होगा कि मैंने यहां जनसभा में कहा था और भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार सिपाही के तौर पर कहा था अगर 2009 में आप दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाओगे तो हम 100 दिन में तेलंगाना बना के दे देंगे। ये बात मैंने करीमनगर में कही थी, विद्यासागर राव की सभा में आके कही थी। भाई बहनों, अब समय आया है आपको निर्णय करने का। अब तेलंगाना बन गया, नक्शे पर रेखा खींच ली गई, सीमांध्र अलग हो गया, तेलंगाना अलग हो गया। अब नक्शे को लकीर बनाने का काम हो गया, अब आपके हाथ में भाग्य की लकीर बनाने का समय आया है। अब तेलंगाना का भला कौन करेगा? ये चुनाव तेलंगाना के लिए ये चुनाव सामान्य नहीं है, देश के लोगों के लिए भले असामान्य चुनाव हो लेकिन असामान्य से भी असामान्य चुनाव है, क्योंकि सरकार बने इतना सीट नहीं है। अगर तेलंगाना की चिंता करने वाली दिल्ली में सरकार नहीं बनती है तो भाइयों बहनों, तेलंगाना तो बन गया लेकिन उसके भाग्य क्या क्या होगा। इसलिए अब आपको वोट ये देना है
कि अच्छा तेलंगाना कौन बनाएगा, तेलंगाना के भाग्य को कौन बदलेगा, ये निर्णय आपको करना है। और भाइयों बहनों, आप जानते हो दिल्ली में जो मां बेटे की सरकार है, इसको आपके प्रति कोई प्रेम है क्या? मुझे बताइए, ये कांग्रेस पे आप भरोसा कर सकते हैं? कांग्रेस पर भरोसा कर सकते हो? तेलंगाना बनाने के लिए 1100 लोगों ने बलिदान दिया है। ये 1100 लोगों को गोलियां किसने मारी? ये 1100 लोगों को किसने मराया? ये 1100 लोग शहीद किसके कारण हुए? क्या उनकी शहादत को भूल जाओगे? इतने जल्दी भूल जाओगे? तेलंगाना बनाने के लिए जो शहीद हुए हैं, उनकी मां को जरा याद करो, उसकी विधवा पत्नी को याद करो, भाई को खोने वाली उस बहन को याद करो। और फिर मेरे तेलंगाना के भाइयों, आप तय करो, क्या तेलंगाना में कांग्रेस नाम के पाप को घुसने देना चाहिए? आपको इतने सालों तक परेशान करने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया है। और इतिहास आपको पता होगा, कांग्रेस के दिल्ली में जो परिवार बैठा है, वो मां बेटा कभी भी आंध्र हो या तेलंगाना उसको प्रेम नहीं कर सकते। पूरा लंबा इतिहास है। ये जो राघव भैया है ना, उनके पिताजी राजीव गांधी हुआ करते थे, इंदिरा जी की सरकार थी, राहुल भैया के पिताजी कांग्रेस के मंत्री थे। और एक दिन हैदराबाद के एयरपोर्ट पर आंध्र के सम्मान्य मुख्यमंत्री अंजैया जी दलित, आंध्र का मुख्यमंत्री ये राहुल भैया के पिताजी राजीव गांधी ने एयरपोर्ट पर उनको अपमानित किया था, और ऐसी भद्दी गाली दी थी, पूरा आंध्र गुस्से में आया था। और बाद में राजीव गांधी के कहने पर अंजैया जी को मुख्यमंत्री पद से भी हटा दिया गया था। जिस परिवार ने आंध्र के ऐसा अपमान किया हो, भाइयों बहनों, नरसिम्हा छपा दिया, प्रधानमंत्री बने, बेटे को पसंद नहीं आया। उनके मुंह से कभी आपने नरसिम्हाराव का नाम नहीं सुना। वे प्रधानमंत्री बने, उसके बाद भी उनको परेशान करने में ये मां बेटे ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना ही नहीं, नरसिम्हाराव कांग्रेस के थे, वो भाजपा के नहीं थे। उनकी मृत्यु तिथि पर, उनकी जन्मतिथि पर वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे, होने बाद भी ये मां बेटे कभी फूल तक चढ़ाने नहीं गए। इनके मन में तेलंगाना हो या सीमांध्र हो, इस परिवार के मन में नफरत पड़ी है। और अभी तो इनको गुस्सा है कि तेलंगाना वालों ने हमें झुकाया है, हमारी नाक काटी है, अगर सरकार बनती है तो हम तेलंगाना को सीधा कर देंगे। कैसे तेलंगाना
देखिए दिल्ली में किसने बर्बाद किया, मां बेटे की सरकार ने बर्बाद किया, किया मां बेटे की सरकार ने क्या नहीं किया। क्या आप तेलंगाना में बाप बेटी की सरकार, क्या आप तेलंगाना में बाप बेटी की सरकार चाहते हो, चाहे भाई सरकार चाहते हो, वही परिवार बनाना चाहते हो, बच्चों सुनाना चाहते हो? अगर किया तो तेलंगाना को कोई नहीं बचा सकता। भाइयों बहनों, तेलंगाना बन गया, लेकिन इनका बनाने का तरीका ऐसा था कि बेटा तो बच गया लेकिन मां को मार दिया। अब तेलंगाना मां विहीन हो गया है, उसको मां की तरह प्यार करे ऐसी दिल्ली में सरकार चाहिए। बालक को लालन पालन के साथ बड़ा करते हैं, वैसे तेलंगाना को बड़ा करने की जरूरत है, इसको संभालने की जरूरत है। मां बेटे की सरकार नहीं संभाल सकती। अब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने वाली है, कोई रोक नहीं सकता। मैं हिंदुस्तान भर में घूम रहा हूं, देश में सुनामी चल रही है, सुनामी। कांग्रेस बचने वाली नहीं है। भाइयों बहनों, आपके घर में गांव में बिजली के खंभे लग जाए, बिजली कारखाना हैदराबाद में लगा हो, लेकिन अगर तो हैदराबाद से बिजली एक हफ्तों में बिजली आ जाएगी, तार जोड़ना पड़ेगा नहीं जोड़ेगा, तार जोड़ पड़ेगी पड़ेगी। भाइयों, दिल्ली में मोदी की सरकार बन जाए, आंध्र के तेलंगाना के अंदर भाजपा की सरकार बन जाए, लेकिन लेकिन दिल्ली और तेलंगाना के बीच में अगर तार नहीं होगा तो बिजली पहुंचेगी, लाभ पहुंचेगा, फायदा पहुंचेगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहां से सारे के सारे एमपी बीजेपी टीडीपी के जिताकर दिल्ली भेजना पड़ेगा। अगर यहां से बीजेपी के टीडीपी के एमपी दिल्ली आएंगे तो दिल्ली में जो पावर हाउस है वो ताकत तेलंगाना में आएगी। और इसलिए भाई बहनों, तेलंगाना में भी भाजपा टीडीपी की सरकार बनानी है, और दिल्ली में तेलंगाना के सारे एमपी जिता करके भेज रहा है ताकि दिल्ली वाली सरकार तेलंगाना की भी जिम्मेवारी उठाए। और भाइयों बहनों, ये काम मैं अच्छी तरह कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि आज भी तेलंगाना के 3 लाख लोगों को मैं सूरत में मेरे अपने परिवार की तरह संभालता हूं, इसलिए मुझे आपका लालन पालन करना आता है, मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, अधिक समय नहीं लेता हूं, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, विद्यार्थी राव को चिताइए, तेलंगाना में टीडीपी बीजेपी के सभी सांसदों को बताइए, तेलंगाना में टीडीपी भाजपा की सरकार बनाइए, और तेलंगाना जो आज एक बालक है उसको इतनी ताकत दीजिए, उतनी ताकत दीजिए ताकि तेलंगाना प्रगति कर सके। भाइयों बहनों, परिवारवाद की राजनीति से तेलंगाना को बचाना, देश को परिवारवाद की राजनीति ने बर्बाद किया है, तेलंगाना को भी ये परिवार की राजनीति बर्बाद कर देगी। उन पर भरोसा मत करना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके सपने मेरे हैं, आपके इरादे मेरे हैं,
आपकी अपेक्षा मेरी है, आपकी आशा आकांक्षा पूरी करने में भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। भारत माता की, भारत माता की। दयचे विनको दयचे महिला चिंतन दयचे जाग्रत नो दयचे विना भाजपा प्रधानमंत्री अभ्यर्थी नरेंद्र मोदी गारी सभा को करीमनगर जिला नलमूल वच्चिनटुवंटि करीमनगर पुलिबिड्डलकु करीमनगर जुवलकु करीमनगर अन्नलकु तम्मुलकु अंदरिकी कूडा करीमनगर जिला जनता पार्टी तरफुन धन्यवादालु तेलुपुतू अंदरू कूडा తమ తమ ప్రాంతాలకు క్షేమంగా వెళ్లి 30 తారీఖు నాడు జరిగేటువంటి ఎన్నికల లోపల భారతీయ జనతా పార్టీ గుర్తైనటువంటి కమలం గుర్తు మీద ఓటు వేసి కరీంనగర్ అభ్యర్థి విద్యాసాగర్ రావు గారిని అదేవిధంగా మరొక భారత్ మాతా కీ, భారత్ మాతా కీ।